हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 21 बी में एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को इसके पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक सारा सवाल बता दिया था। अब आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। एंजॉय द वीडियो। बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 4 सीखते हैं। क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इफ एक्स इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस बी, वाई इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन बी, आर साइन ए इंटू साइन बी एंड z इक्वल टू आर कॉस ए। क्या दे बच्चों, z इक्वल टू आर कॉस ए, देन प्रूव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बच्चा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 21 बी क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो लिखते हैं बच्चों, एल एच एस क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एल एच एस को उतार लिए, एक्स का वैल्यू क्या दिया है, आर साइन ए इंटू कॉस बी, तो एक्स के बदले में इतना बैठेगा और उसका स्क्वायर करना होगा। क्या करना बच्चों, स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी। एक्स स्क्वायर था तो एक्स का वैल्यू मेरा इतना था, तो सब पर मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस वाई का वैल्यू क्या है, आर साइन ए इंटू साइन बी, तो इस सब का स्क्वायर हो जाएगा, क्या है बच्चों, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी प्लस जेड स्क्वायर है तो क्या है, आर कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इन दोनों में गौर कीजिए बच्चों, आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी है, तो आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर यहां भी है, साइन स्क्वायर यहां भी है, तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी, यहां क्या बच गया, साइन स्क्वायर बी, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा ना, गौर कीजिएगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, एंगल सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का एडिशन है, मतलब 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है फॉर्मूला, प्लस क्या है बच्चों, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, जब आप दीजिएगा। अब देखिए, आर स्क्वायर दोनों में आ गया, फिर से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, एंगल इक्वल है और बीच में प्लस है क्योंकि साइन और कॉस का स्क्वायर है, ये हो गया 1, तो बराबर क्या बच गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर को 1 से गुणा किया, कितना हो गया आर स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। समझे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, उतार लीजिए इसे, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हड़बड़ाने का दरकार नहीं है, आराम से सीखिए बच्चों, आराम से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बच्चों, इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू एम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो आपके पास बुक होगा ही, देख लीजिएगा उसमें, एंड सेक ए प्लस कॉसेक ए, sec a plus cosec a equal to दिया गया है, and then बच्चों प्रूव करना है n m square minus 1 equal to 2m, this much we have to prove, समझ रहे बच्चों, क्या दिया गया है, if sin a plus cos a equal to m and sec a plus cosec a equal to n then prove n into m square minus 1 equal to 2m, देखिए कितना आसान है, लिखते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड लिखना ही है,
इसे उतार लीजिए एन एन स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एन का मान देखिए क्या दिया है, सेक है, चलिए एन का मान बाद में रखेंगे, ठीक है, पहले एम स्क्वायर का मान निकालते हैं, माने स्क्वायर स्क्वायर होगा बच्चों क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस वन। क्या किया बच्चों, एन को अभी उतार दिए, कौन ढोएगा इतना, बाद वैल्यू पुट कर देंगे, एम का मान साइन ए प्लस कॉस ए दे दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर था माइनस वन लिख दिए, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस वन, ये माइनस वन बच्चों यहाँ उतार दिए, गौर कीजिएगा एन लिखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है वन, ये फॉर्मूला मान गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो गया, प्लस क्या बच्चों टू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस वन, प्लस वन माइनस वन काट दीजिए, ये प्लस वन माइनस वन कट गया, ये अब एन का मान रख दीजिए, एन कितना है sec a प्लस cosec a, इस n के बदले वैल्यू रख दिए, ये क्या बच्चों 2 sin a into cos a, इसे लिख दिए, अब ध्यान दीजिएगा sec a का फॉर्मूला क्या होता है 1 by cos a, sec a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1 by cos a, और cosec a क्या होता है 1 by sin a, यहां कितना बच्चों 2 साइन ए इंटू कॉस ए, समझ में आ गया, अब ध्यान दीजिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए को एक से क्या हो गया, साइन ए कॉस ए को एक से क्या हो गया, कॉस ए साइन ए कॉस ए एलसीएम हो गया, साइन ए को एक से गुना किया, साइन ए कॉस ए को एक से गुना किया कॉस ए, ये क्या हो चुका टू साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया, क्या बचा टू इंटू इतना बचा, देखिए यहाँ लिखते हैं कोई दिक्कत, कितना बचा है टू, ये टू लिख दिया बच्चों, और क्या बचा साइन ए प्लस कॉस ए, लिखते हैं ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए, समझ में आ गया होगा, ये टू लिखिए साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है एम, तो इसके बदले हम एम पुट कर दिए, देखिए क्या प्रूव करना था टू एम आया टू एम, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम एक्सरसाइज 21 बी आईसीएसई बोर्ड क्लास 10, इससे पहले का सवाल देखने के लिए एक्सरसाइज 21 बी के लेक्चर वन में जाइए, विजय सर देवघर यूट्यूब में सर्च करें आपको मिल जाएगा, पार्ट वन में ये चल रहा आपका पार्ट टू चल रहा है, कैसा था बच्चों एक्सरसाइज 21 बी का ये पार्ट टू है, कैसा था पार्ट टू, ठीक है चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, 6 को हम छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 7 में, क्या बच्चों इफ कॉस ए बाय कॉस बी इक्वल टू एम एंड cos a by sin b equal to m, then क्या प्रूव करना है बच्चों, m square plus n square into cos square b बराबर n square, ये प्रूव करना है, देखिए कितना आसान है, देखिए बच्चों लिखते हैं पहले LHS क्या है, उठा लीजिए m square plus n square इंटू कितना बच्चों कॉस स्क्वायर, ध्यान दीजिए एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, एम का वैल्यू ये है तो एम इसका मतलब इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर बी, एन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब क्या होगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर साइन बी है भूलिएगा नहीं, हो जाएगा बाय साइन स्क्वायर बी, क्योंकि मेरा एन स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे कॉस ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए साइन बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और बाहर में कितना बच्चों कॉस स्क्वायर बी, आप देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी दोनों में है कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर बी, यहाँ बच जाएगा वन बाय साइन स्क्वायर बी इंटू कितना बच्चों कॉस स्क्वायर बी, ध्यान दीजिएगा ये आपका कॉस स्क्वायर हो गया, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका
इन दोनों का एलसीएम कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, समझ में आ रहा होगा? कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी का एलसीएम ये हो गया। साइन स्क्वायर बी को एक से गुना करेंगे क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर बी प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी, और इंटू में कितना बच्चों? कॉस स्क्वायर बी। देखिए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी स्वाहा हो गया, यहाँ क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए और नीचे कितना बच्चों? साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए और नीचे वाला साइन स्क्वायर बी यहाँ लिख दिए। अब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? वन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? कॉस ए का होल स्क्वायर बटे साइन ए का साइन स्क्वायर बी, मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर बाय साइन बी का होल स्क्वायर। इसको लिख देते हैं इस तरह से, कॉस ए बाय साइन बी का होल स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर स्क्वायर था तो स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए कॉस ए बाय साइन बी, कॉस ए बाय साइन बी का वैल्यू कितना है? एन है। कॉस ए बाय साइन बी का वैल्यू एन है तो इसके बदले बच्चों हम क्या प्रूव करते हैं? एन और क्या था? स्क्वायर। कॉस ए बाय साइन बी एन हो गया, स्क्वायर को पुट कर दिए। क्या प्रूव करना था? एन स्क्वायर आया, एन स्क्वायर बच्चों ये प्रूव हो गया। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 21B क्लास 10 का खत्म कर लिया। तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे बनाने में ताकत मिले। इन्जॉय द वीडियो, टिल देन गुड बाय बाय।